और मेरे सुपर हीरोज क्या चल रहा है। तुम्हें पता है स्पाइडरमैन 4 को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट क्यों नहीं आई है? बिकॉज सोनी और मार्वल दोनों स्पाइडरमैन 4 को अपने अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। सोनी चाहता है कि स्पाइडरमैन 4 एक बहुत बड़ी मल्टीवर्स मूवी हो, इवन बिगर देन नो वे होम, जिसमें हमने ऑलरेडी मल्टीवर्स से आए 2 एक्स्ट्रा स्पाइडीज देखे थे। तो ऑब्वियसली अगली स्पाइडरमैन 4 मूवी को अगर हिट करना है तो पिछली वाली से भी कहीं बड़े स्केल पर मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करना होगा। सोनी एग्जैक्टली ये चाहता है कि स्पाइडरमैन 4 में एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैग्वायर तो स्पाइडी के रोल में वापस आए ही, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि इन 3 स्पाइडरमैन के अलावा और भी नए वर्जन आए स्पाइडरमैन के, लाइक माइल्स मोरेलस का एक लाइव एक्शन वर्जन या फिर स्पाइडर ग्वेन। और ये सारे आइडियाज अपनी जगह सही भी हैं, लेकिन अब मार्वल के प्लान्स इससे बिल्कुल अलग हैं। स्पाइडरमैन 4 के लिए मार्वल चाहता है कि स्पाइडरमैन 4 एक स्टैंड अलोन स्पाइडरमैन मूवी ही हो, यानी सिर्फ टॉम हॉलैंड वाले एक सिंगल स्पाइडरमैन पर फोकस्ड हो। और देखा जाए तो यार ये भी सही है, बिकॉज नो वे होम के एंड में टॉम हॉलैंड बिल्कुल अकेला बचा था, ना ही कोई दूसरा स्पाइडरमैन था, ना हैप्पी, ना टोनी स्टार्क, कोई भी नहीं, इवन आंट मे भी नहीं। तो देखा जाए तो मार्वल और सोनी दोनों अपने अपने प्लान्स को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं, और यही फाइनल ना हो पाने की वजह से फिलहाल अभी तक स्पाइडरमैन 4 को लेकर कोई भी ऑफिशियल डेवलपमेंट या अनाउंसमेंट नहीं आई है। और जब से कैंग का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेजर्स को पुलिस ने पेला है गर्लफ्रेंड की पिटाई के चार्जेस को लेकर, तब से फैंस ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आगे अब मार्वल कैंग की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेगा या नहीं। फैंस तो फैंस, इवन बड़े बड़े इंसाइडर्स एंड मार्वल के एक्स एम्प्लॉयज तक इस बात को लेकर डिवाइडेड हैं। कुछ इंसाइडर्स बोल रहे हैं कि कैंग को मार्वल पूरी तरह से अबैंडन कर देगा, छोड़ देगा, बट सच तो ये है कि मार्वल के लिए कैंग को पूरी तरह से छोड़ पाना इतना भी आसान नहीं है, बिकॉज कैंग की कहानी बहुत ज्यादा आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है और मल्टीवर्स पर उसका जो इन्फ्लुएंस दिखाया गया है वो भी बहुत खतरनाक है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो मार्वल के लिए कैंग को पूरी तरह से रिमूव कर पाना इम्पॉसिबल, बट हाँ इतना जरूर है कि मार्वल कैंग को मिनिमाइज कर देगा, यानी मेजर फोकस अब कैंग से हटकर किसी दूसरे नए सुपर विलन पर आएगा। एंड ये बात बिल्कुल तय है, बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले चली सैग एफ्ट्रा की स्ट्राइक के चलते मार्वल को अब बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है सोचने का, और इसीलिए वो इस साल डेडपूल एंड वुल्वरीन और वेनम 3 जैसी मूवीज रिलीज करके शांत बैठ जाएगा। बहुत ज्यादा बैक टू बैक मूवीज एंड सीरीज ये रिलीज नहीं करेगा। देखो मैडम वेब को तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब मार्वल को फोकस करना है अपने फ्यूचर प्लान्स में। एंड केविन फाइगी ये बोल ही चुके हैं कि वो कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं आने वाले मार्वल के प्रोजेक्ट्स में, जो हम फैंस ने सोचा भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स तो अंदर ही अंदर चल रही हैं मार्वल में, बट अगेन कैंग कहीं नहीं जा रहा है। बस ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि वो मेन विलन से हटकर एक साइड विलन बनकर रह जाएगा, जो कि ऑब्वियस है यार। एंड मेन विलन की बात से हम आ जाते हैं आज के तीसरे टॉपिक पर, जो कि है डॉक्टर डूम एंड गैलेक्टस के बारे में। अब अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि फैंटास्टिक 4 की ऑफिशियल कास्ट मार्वल की तरफ से अनाउंस कर दी गई है, बट विलन कौन होगा ये अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। बट इतना कंफर्म है कि सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस तो होंगे ही एज विलन और विलन्स, और सबसे ओपी विलन यानी डॉक्टर डूम हमें मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक 4 के एंड क्रेडिट्स में देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑब्वियसली यार पहली एवेंजर्स में सीधे थानोस थोड़ी ना चला आया था, उसके चेले चपाटी आए थे बाद में वो आया था, तो उसी सेम पैटर्न में डॉक्टर डूम भी पोस्ट क्रेडिट में ही पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और मूवी के विलन्स होंगे सिल्वर सर्फर एंड गैलेक्टस, इनमें से कोई एक या फिर बोथ ऑफ देम। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी हैं कि मार्वल इस बार सिल्वर सर्फर के लिए एक फीमेल एक्ट्रेस को कास्ट करेगा, जो कि आई डोंट थिंक यार इतना अच्छा आइडिया होगा, बिकॉज सिल्वर सर्फर जैसे कैरेक्टर का अगर जेंडर चेंज कर दिया जाए तो फिर उसके ओवरऑल पोर्ट्रेयल पर बहुत ज्यादा फर्क तो भाई पड़ ही जाएगा। फैंटास्टिक 4 अपनी इस पहली मूवी से लेकर पूरा सीक्रेट वॉर्स तक जाएंगे, बट सिल्वर सर्फर का रोल सिर्फ एक ही मूवी तक लिमिटेड रहेगा। ऑल्दो आई होप कि मार्वल गैलेक्टस के साथ भी ऐसा ही ना करे, बिकॉज गैलेक्टस को इतना छोटा विलन नहीं है कि इसको सिर्फ एक ही मूवी के अंदर निपटा दिया जाए। ही इज अ लॉट, एंड आई मीन अ लॉट बिगर देन दैट लिटरली। एंड फैंटास्टिक 4 में रीड रिचर्ड्स की कास्टिंग सबसे परफेक्ट करी है मार्वल ने, जो कि है पेड्रो पास्कल, लास्ट ऑफ अस, गेम ऑफ थ्रोन्स, नार्कोस जैसी सीरीज में पेड्रो पास्कल ने क्या ही तगड़े रोल्स किए थे, एंड यही कैरेक्टर अब मार्वल में रीड रिचर्ड्स बनेगा, द स्मार्टेस्ट मैन इन द यूनिवर्स। तो भाई कम से कम अपने इस वाले रीड रिचर्ड्स से तो ज्यादा ही स्मार्ट होगा, जिसने वांडा को ब्लैक बोल्ट का सीक्रेट बताकर इंस्टेंटली पिलवा दिया था उसे। तो
गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड तुम भी चैनल को सब कर लो अगर मार्वल से जुड़ी हर एक अपडेट से अपडेटेड रहना चाहते हो तो। ऑल्सो इफ वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक एंड मन में कुछ आ रहा है तो बोल डालो यार कमेंट्स में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखना, बाय बाय।